स्टूडेंट सिद्धार्थ जैन अ फैकल्टी फ्रॉम एच बी टी यू कानपुर बेसिकली हम आज हम आज सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बात करेंगे बेसिकली हमने पीवी क्लास में सस्पेंशन ब्रिज के कंपोनेंट और उनके कंपोनेंट और उनके बेसिक फंक्शन के बारे में बात की थी और हमने सपोर्ट के बारे में बात की थी कि दो टाइप के सपोर्ट होते हैं जिसमें वर्टिकल रिएक्शन और रिएक्शन की वैल्यू क्या क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल कैंसन मतलब टेंशन इन द केबल ठीक है हमने एंकर टेबल की एंकर केबल की टेंशन ली वो और जो सस्पेंसन केबल की टेंशन ली उसके उसके भाव पर देखा ना आज हम बात करेंगे इस एनालिसिस करेंगे बेसिकली जिसमें हम जो सपोर्ट पर लगने वाले जो सपोर्ट पर लगने वाले जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे तो जो form, in the, in the load, okay? और जो मैक्सिम मूवमेंट है इन द फॉर्म इन द इन द फॉर्म ऑफ लोड ओके और हॉलिडेंटल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ लोड उनके बारे में बात करेंगे ठीक है तो दिस इज ए बेसिकली लेआउट ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन केबल ओके तो हमारे पास सबसे पहले एक सस्पेंशन केबल है या जिसमें जो सपोर्ट्स हैं मींस ए जो सपोर्ट एंड बी जो सपोर्ट ठीक एक, है ये केबल का लेआउट है बेसिकली केबल केबल सपोर्ट है और ये दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे है मान लेते हैं ठीक दूसरा केस हो सकता है कि ये दोनों सपोर्ट डिफरेंट लेवल पे हो बट डिफरेंट लेवल पे होने वाला जो 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 सस्पेंशन ब्रिज है वो थोड़ा बहुत ज्यादा अन हो जाता है तो हम सेवन लेवल पर बात करते हैं उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं नाउ हमने क्या किया कि हमने माना कि केवल पे जो डेक पर लोड आ रहा है जिसके कारण जो केबल पे एक लोड है वो यूडीएल में ट्रांसफर हो गया द हैंगर्स तो यूडीएल में जो ट्रांसफर लोड हो गया वो मान ला हम मान लिया हमने लोड है पी पर यूनिट लेंथ ठीक है लेट्स से द लोड इज़ पी पर यूनिट लेंथ ओके अब हमारे पास जो सपोर्ट्स हैं वो सेम लेवल पे हैं सेम लेवल पे हैं और कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है इस केबल पर तो बेसिकली जो एच ए पर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू द रिएक्शन एट एच बी तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात लिख लेते हैं कि ठीक है लिख लेते हैं टल लोड सो एच विलू एच ओके ठीक उसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल डिप आपको दिख रही होगा डी ये मैक्सिमम डिप है सेंट्रल डिप का मतलब होता है कि इस केबल को सेंटर पॉइंट से लेके हॉरिजॉन्टल लेवल का जो मैक्सिमम पार्ट है डी <coughs> एल एज ऑ लेंथ ऑफ अस्पान ठीक थीटा है बेसिकली और जो जो इक्वलेंट लोड या इक्ूबलेंट टेंशन हमारे पास आ रही होगी इस केबल में उसका वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो ठीक है तो यहाँ पर वी ए रिएक्शन आ रही है वी बी रही है, वी रिलेक्शन आ रही है वर्टिकल दोनों एच हैं तो बराबर लिख दिया इस पॉइंट पर जो टेंशन आ रही है मैक्सिमम वो टी है इस पॉइंट पर जो मैक्मम टेंशन आ रही है दैट विल बी टी बी ओके और इसके अलावा हम बेसिकली ये, ये सेंटर बन गया तो मिस एल्बे टू हो गया उसके अलावा एक सेक्शन लेते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स 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 सेक्शन ठीक दिस इज एक्स एक्स सेक्शन ठीक है उस पर जो इसको डिप है वो डी वन मान लेते हैं ठीक ये सारी चीज़ हमने एज्यूम कर ली है इवन कोई लोड नहीं है हॉजली तो एच विल वी इक्वल टू द एच भी दैट विल बी इक्वल टू द एच नाउ डू टू द सिमेट्री हमारे पास लोड है यू डी एल दिया हुआ है डू टू सिमेट्री हमारे पास वी ए और वी वी की वैल्यू भी बराबर आएंगी अगर मान लेते हैं पी यूनिट लोड है तो ड्यू टू द सिमेट्री जो वर्टिकल रिएक्शन होंगी वो भी इक्वल होंगी ठीक है तो वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास जो आएंगी क्या होंगे दैट विल बी इक्वल टू द वी इक्वल टू वी बी कितनी होंगी टोटल लोड हमारे पास कितना होगा पी अगर हमारे पास पर यूनिट लोड है टोटल लोड कितना हो जाएगा पी इन एल ठीक है पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल तो 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 लेंथ हो जाएगी कितनी एल और बराबर बांट रहे हैं तो इसका आधा पार्ट वी ए जाएगा उसका आधा पार्ट वी पर जाएगा तो वी ए इज्वल टू वी वी इक्वल टू बिल इक्वल टू वी पी एल बाई टू दिस इज अ वर्टिकल रिएक्शन एट द सपोर्ट्स ओके सपोर्ट निकालनी है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है अब इवन हम जानते हैं कि दिस इस शेप के कारण या केवल में कोई भी केवल में कोई भी मूवमेंट नहीं आ सकता बेंडिंग मोमेंट नहीं आ सकता तो बेंडिंग मोमेंट नहीं आ सकता है तो बेसिकली किसी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो देख सकते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस मैक्सिमम डिप है तो हम मान लेते हैं कि सेंटर पे एक इस पॉइंट को सी मान लेते हैं सेंटर पे हम मूवमेंट की वैल्यू जीरो रख देते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ तो हम uh, सी पॉइंट पर मीन्स सी पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो लेते हैं ओके okay? तो यहाँ पर एक बात एक स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस केवल कैन ओनली टैक समिशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट सी पॉइंट निकालते हैं अगर हम बेंडिंग मूवमेंट बी पर मीनस लेफ्टन की बात करने के बाद लेफ्ट प्रसन्न ठीक यहां से हम बात करें इस पॉइंट पे बैंडिंग मोमेंट जीरो तो कैसे निकलेगा हमने पहले भी करके आए हुए हैं तो इस पॉइंट पर बैंडिंग मोमेंट निकालना चाहें तो वी ए का कंपोनेंट इधर तो वी ए इंटू एल बाई टू बैंडिंग मोमेंट एड सी पॉइंट निकाल ले बेसिकली इसे जीरो कर देंगे ठीक क्या कोई एस का मूवमेंट होगा बिल्कुल होगा क्योंकि एच इवन होल डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर हमारे पास पर डी है तो अगर वी ए हमारे पास क्लॉक वाइज है तो एच का मोमेंट हमारे पास कैसे होगा सी के अबाउट एंटी क्लॉक वाइज तो वी अगर पॉजिटिव है तो एच का मोमेंट हो जाएगा एच इंटू डी कैश के अलावा और कोई लोड लगेगा बिल्कुल लगेगा क्योंकि तो हमारे पास लोड भी है मीन्स यू डी एल भी है तो यू डी एल का लोड भी अप्लाई होगा किस पर होगा इस पर तो यू डी एल का लोड कितना होगा यू डी एल हमारे पास कितना है पी य पी यूनिट पी यूनिट पर लेंथ ठीक है तो इसको निकालें तो यू डी एल का लोड देखते हैं तो आधे पोषण के लिए यू डी एल का लोड कैसे हो जाएगा अब यू डी एल किस डायरेक्शन में होगा ये देखते हैं हमारे पास वी ए का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है ऐसे एक का डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज है यू डी एल नीचे की तरफ लग रहा है तो अल्टीमेटली इस पॉइंट के बाद भी नीचे डायरेक्शन मीनस एंटी क्लॉक वाइज मोशन कर रहा है इवन हमने एंटी क्लॉक नेगेटिव लिया है तो इसको भी नेगेटिव लेंगे तो यूडीएल हो जाएगा माइनस ठीक है अब यूडीएल में टोटल लोड देखें तो इस एल वाई टू स्पान में इस लोड का टोटल लोड कितना होगा यूनिट पर यूनिट लेंथ लोड एच पी है एल वाई टू क्लो हो जाएगा पी इंटू एल वाई टू सिंपल ठीक है और लोड यू में हम जो मतलब मूवमेंट लेते हैं उसके सेंटर पॉइंट से लेते हैं तो L बाई टू का सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ से L वाई फोर तो यहाँ पे हो जाएगा L वाई फोर विल द मूमेंट डू दिस यू डी एल विल इक्वल टू द जीरो ठीक है यहाँ से हम अगर पूरा निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ लोड V की वैल्यू पता है तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें और एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें एच की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एच की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सी जो हमारे पास पी एल वाई टू ठीक है वी ए की वैल्यू हमारे पास थी पी एल वाई टू इंटू एल वाई टू एच हम ऐच हम राइट एंड साइड पहुंचा देते हैं या हम एच इधर पहुंचा देते हैं एच हम इधर ले लेते हैं एच इंटू डी इज्कवल टू वी ए की वैल्यू पी एल वाई टू इंटू एल वाई टू इंटू एल वाई टू माइन प्लस सॉरी क्योंकि माइन माइनस प्लस हो जाएगा पी एल बाई टू इंटू एल वाई फोर ठीक है तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो एच हमारे पास आएगा पी एल स्क्वायर बाई एट डी दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डेक्शन ऑन अ सपोर्ट डू टू द यू डी एल ओवर द स्पान ठीक है ये हमारे पास निकल आया अब हम ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए हमने हाफ पोर्शन को कट कर लिया है आपके पास दिख रहा होगा दिस इज हाफ पोर्शन इसमें सारी चीज़ें दिखी हुई हैं अब हमने निकाल ली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हमारा पहला पार्ट था रिएक्शन निकालने वाला वर्टिकल रिएक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको भी हम डब्बे में बंद कर देते हैं तो मेन टास्क है ठीक है वर्टिकल रिएक्शन निकाल लिया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लिए अब मेन टास्क हमारे पास आता है मूवमेंट निकालना किसी पॉइंट पर ठीक है मूवमेंट निकालना जी पॉइंट पे इवन वो जीरो हो जाएगा वो देखेंगे मूवमेंट निकालना मूवमेंट जीरो हो जाता है बेसिकली अब मूवमेंट निकालने के अलावा हम कुछ और चीज़ देखेंगे डी की वैल्यू उसके टर्म में देखेंगे ठीक तो हमने माना कि एट अ एक्स डिस्टेंस देर विल बी अ डिप ऑफ डी वन ठीक है डिप ऑफ डी वन एक्स एस सेक्शन देर विल डिप ऑफ डी वन सो हम इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो मानते हैं लेट अ सेक्शन

निकाल जाएगा तो इस वर्टिकल का निकालते हैं वर्टिकल क्लॉकवाइज तो वी ए इंटू एक्स सिंपल सी बात है वी ए इंटू एक्स इसी में क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉइंटिव मानना है तो वी ए इंटू एक्स माइनस तो तो अब इस पॉइंट पर बेसिकली हम यहाँ नहीं देखेंगे यहां बात करेंगे यहाँ पर डिप कितनी है डी वन तो इसल कंपोनेंट का माइनस होगा एंटी एंटीक्लॉक डायरेक्शन में माइनस दिस एच इन सॉरी माइनस दिस एच इंटू D1 डी वन माइनस तो यहां से अगर निकालना चाहें और हम जानते हैं कि सी पॉइंट ऑफ मूवेंट की वैल्यू जीरो जीरो कर दिया है जीरो कर दिया है तो हम यहाँ पे बेसिकली डी वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी और एक्स बारे में निकालना चाहते हैं तो डी हम वन हमारे पास ना लिख देते हैं ठीक है एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वी की वैल्यू हमको बताया तो सारी वैल्यू पुट करते हैं और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है कोशिश करते हैं तो जीरो हो गया तो वी ए की वैल्यू हम लिखते हैं कितनी है पी एल वाई टू इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू लिखते हैं पी एल स्क्वायर अपॉन एट डी माइनस ये हो जाएगा हमारा इंटू डी वन सॉरी ये हो जाएगा हमारा माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो अगर यहाँ है से हम डी वन को सॉल्व करें तो डी वन की वैल्यू हमारे पास आती है फोर डी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स सॉरी फोर डी एक्स सॉरी डी वन की वैल्यू हमारे पास आती है फोर डी डिवाइडेड बाई एल स्क् इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स और ये क्वेश्चन देख कर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किसकी इक्वेशन है बेसिकली ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोला है मींस हम अगर किसी पॉइंट पर जाते हैं पॉइंट पर एक्स और वाई को को सिमुलेट करते हैं तो वो इक्वेशन हमारी किसके सिमुलेट आती है पैराबोलिक सिमुलेट तो इसका मतलब है कि जो केबल का सेप बनता है दैट वो सेप किसका होता है पैराबोला सेप तो सिंपल सी बात होगी तो यहाँ पे एक प्रूव हो गया कि सेप बनता है केबल का वो पैराबोलिक होती है दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक सिंपल सी बात होगी कि, कि अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें लिखे केवल सब्जेक्टेड यू डी एल कैन टेक से बातें लिख भी सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं केवल uh, टेंस की मीन हमने दो तीन पार्ट निकाल लिए हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए मूवमेंट की वैल्यू निकाल ली है और उस सेप की बात कर ली है अल्टीमेट हम बात करते हैं उस केबल पर लगने वाले मैक्सिमम टेंशन की यानी कि इस हॉजेंटल और वर्टिकल का जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा होगा दट विल बी टी ए आपको दिख रहा होगा ठीक है इक्विवेलेंट जो वैल्यू निकल के आ रही होगी तो सिंपल है इस डायग्राम से कैसे निकालोगे कैसे निकालेंगे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर टी एस सीटा एस दिया हुआ है वी ए दिया हुआ है टी ए निकालते हैं इक्वलेंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास अगर इक्वलेंट की बात करें ठीक है, सेम लेवल पर हैं तो टीए हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच घटा देते हैं ठीक है इवन अगर जो सेम लेवल पर है दोनों पॉइंट तो टीए और टीवी भी बराबर ही होगी तो यहां पर ए लिखने का भी कोई सेंस नहीं है ए लिखने का भी कोई सेंस नहीं है क्योंकि टी ए और टीवी सेम है Support R at same level, so, so TA will equal to TV, and that will be equal to T. हम मान लेते हैं ठीक है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाती है तो टी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है अंडर रूड ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओके एच स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है तो सिंपल निकाल लेते हैं तो टी इज इक्वल टू एच की वैल्यू में पता क्या है पी एल स्क्वायर अपॉन एट डी की वैल्यू पी एल अपॉन टू इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ठीक है एक को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं दूसरे को अंदर रखते हैं लेट से हम वी को कॉमन लेते हैं तो टी इन द फॉर्म ऑफ वी बन जाएगा वी अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन सिक्सटीन डी स्क्र दिस इज द टेंशन ऑफ द केबल इन टर्म्स ऑफ वी एंड डी और अगर हम एच को बाहर ले लेते हैं टी को अंदर रखते हैं सॉरी वी को अंदर रखते हैं तो टी हमारे पास आ जाएगा एच अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन दिस इज एल सॉरी इन टर्म्स ऑफ एच डी एंड एल ओके दिस इज द टेंशन एंड द केबल ड्यू टू दाउजेंटल एंड वर्टिकल एक्शन ठीक हमने रिएक्शन निकाल ली मोमेंट की बात कर ली पैराबोलिक शेप निकाल लिया और टोटल एक्शन निकाल ली अब हम अल्टीमेटली बात करेंगे इसके एंगल की यानी कि सिंपल से अगर हम ठीटाइस की बात करें हमें सब कुछ पता बताया टीटैश नहीं पता है ठीक है ठीटैस कितने कितने डिग्री पर कितने डिग्री पर वर्टिकल से हमारे पास जो आ, टेंशन लगी है, वो कितनी होगी तो उसको भी ड्राइव कर लेते हैं ठीक है उसको भी ड्राइव कर लेते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने की इसको ड्राइव कर लेते हैं सिंपल तो यहाँ इस, इस बेसिकली ट्राइंगल से हम देखेंगे की टेंशन निकाल चुके हैं टेंशन हमारे पास जो आई है वो ना ना आ चुकी है और हम निकालने जा रहे हैं इंक्लिनेशन, सिंपल डी वाई टी ठीक है। उस एंगल सिंपल बात करें तो टेंशन टी थी, टाइस हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा टाइस आ जाएगा एच वाई वी ठीक है एच वी की वैल्यू पता है दोनों को पुट करेंगे ऐसे वी के वाली पुट करेंगे तो पी एल स्क्वायर बाई एट डी डिवाइडेड बाई पी एल बाई टू तो थीटा ऐसे हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एल बाई फोर्टी ठीक है तो हम यहाँ सिंपल एंगल ही बता सकते हैं अल्टीमेटली हम बात करेंगे डी एस की तो डी एस सिंपल हम वहाँ से निकाल सकते हैं मीन्स एलिमेंटल फॉर्म में बात करें तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा अंडर वूड ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू द डी एक्स अंडर वूड ऑफ वन प्लस डी एक्स बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास सारे एनालिसिस में सारे कंपोनेंट निकाल लिए हैं अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का जिससे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी ओके okay? ओके सिंपल आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा ए सस्पेंशन केबल हैविंग सपोर्ट एट अ सेम लेवल ठीक है सेम लेवल हैज ए स्पान ऑफ 30 मीटर एंड द मैक्सिमम डिब ऑफ थ्री मीटर दिख रहा है यहाँ पे केबल अ केबल इज लोडेड विद यू डी एल ऑफ टेन किलोमीटर पर मीटर थ्रू आउट इस लेंथ फाइंड द मैक्सिमम टेंशन द केबल हमें हमें पूरा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइनल फार्मूले पता है ठीक है सिंपल सी सिंपल सी फिलोसफी या सिंपल सा एनालिसिस का तरीका ही पता पड़ गया है तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है आपको दिख रहा होगा लोड हमारे टेन किलोमीटर पर, पर मीटर दिया हुआ है इस इस भी, भी भी, दिस दूसरे वर्टिकल एक्सन एट बी इज हॉरिजॉन्टल एक्सन एट एच क्योंकि दो कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो ऑरेंटल एक्शन एच इक्वल टू एच भी होगा इक्वल टू द एच ओके सेंट्रल डिप तीन मीटर है एल थर्टी दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है एनालिसिस करते हैं एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रहेगा सिंपल क्यों रहेगा क्योंकि हमको क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेक्शन के बारे में पता है अगर हम सेम लेवल पे बात करते हैं सेम लेवल बात करते हैं, तो वी ए और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें वी ए एक्वल टू वी वी इक्वल टू क्या होता था पी एल वाई टू पी की वैल्यू क्या पता है हमको पता है दस एल की वैल्यू पता है हमको पता है थर्टी डिवाइडेड बाई टू सिंपल सा हमारे पास बी ए वी वी, वी, वी वी निकल जाएगी वन फिफ्टी न्यूटन ठीक है फॉमूला ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी और अगर हम एच की बात करें होटो रिएक्शन की बात करें तो होटो रिएक्शन का फॉर्मूला निकल चुका है अगर किन किस केवल में अगर हमारे पास दोनों सपोर्ट सेम लेवल पर हैं ठीक है दोनों सपोर्ट सेम लेवल पर हैं और हमारे हमारे दोनों सपोर्ट सेम लेवल पर और यूडीएल अप्लाई हो रहा है हमारे केबल पर तो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल पुल का फॉर्मूला होता है क्या होता है सिंपल एच इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन एट डी ठीक है पी की वैल्यू क्या पता है हमको बताया दस एल की वैल्यू बताया बताया थर्टी डी की वैल्यू पता है हमको बिल्कुल पता है कितने दी है फाइव सॉरी थ्री ठीक है थ्री लिख देते हैं ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर एच की वैल्यू आएगी थ्री सेवेंटी फाइव किलो न्यूटन ठीक है और, और, और मैक्सिमम टेंशन की बात करें तो मैक्मम क्या होती है इन दोनों का इक्विवेलेंट टीमैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूड ऑफ वी स्क्वायर ए की बात क्या करेंगे वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास वन फिफ्टी का स्क्वायर थ्री सेवेंटी फाइव का स्क्वायर दोनों के इक्वलेंट आया हमारे पास वैल्यू आई थ्री फोर नाइन दोनों ठीक है इसमें थीटा पूछा नहीं है अगर थीटा निकालना चाहे तो ठीटा हमारे पास कितना आएगा टेन इनवर्स ऑफ कितना आएगा टेन इनवर्स ऑफ एल वाई कितना था पिछली क्लास में एल वाई फोर डी ठीक है यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ी हमको नहीं पड़ी हमें सिंपल ली एल पता होना चाहिए इनवर्स एल की वैल्यू कितनी है थर्टी डी की वैल्यू कितनी है थ्री यानी कि चार थी सॉल्व करो आपको टीटा की वैल्यू भी पता पड़ जाएगी ठीक है तो बेसिकली ये सिंपल एनालिसिस हो गया जब दो दिन के ध्यान रखना जब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो 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 सपोर्ट्स हैं वो एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं दूसरा हमारे पास जो लोड है दैट इज़ ए यूडीएल लोड तो हमेशा यूडीएल बनेगी अब बेसिकली ये हमारी आज की क्लास की बात होगी अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी 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 केबल की बात करेंगे बट वो केबल के जो सपोर्ट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होंगे वो, वो अलग अलग लेवल पर होंगे अलग अलग लेवल पर होंगे तो बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू हो सकती है सेम हो बट वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा क्योंकि मूवमेंट के वैल्यू बदल जाएगी वर्टिकल डिस्टेंसेस बदल जाएंगी तो उसके एनालिसिस पे हम बात करेंगे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमारे में भी ये पता होता है कि इस केबल में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट केवल जीरो कर पाते हैं और जीरो करने से हमें सारे रिएक्शन निकल आती हैं ये अच्छी सी बात है तो ये सिंपल सा मेथड है सिंपल आप समझ भी गए होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आपको बता दिया तो याद रखना एक बार थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा फिर हम बात करते हैं ठीक है अब ये एच और वी की वैल्यू अगर हम बात करें सही तरीके से ये वैल्यू हमको अगर केवल में टेंशन के फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि टी और एच की वैल्यू अलग अलग सपोर्ट कंडीशन में क्या क्या होती हैं तो वो अगर वो उन उस केस में दिया हुआ है मीन्स uh, केवल टेंशन के फॉर्म में दिया हुआ तो हमको पहले एच और वी निकालना होगा देन हमको ये 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 मेथडोलॉजी अपनानी होगी ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारे पास एक केबल है जिसमें दोनों सपोर्ट एक सेम लेवल पर हैं यहाँ पर लगने वाले रिएक्शंस एच वी ए और एच वी वी टेंसन टी ए टी बी है सेंट्रल डिप डी एसमान एल है ठीक है एक लोड लग रहा है यू डी एल दैट इज ए पी पर यूनिट लेंथ ठीक है अब हम एनालिसिस करते हैं तो कोई चूँकि कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है हमारे पास सब हमारे पास हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो लोड नहीं है तो सिंपल सी बात है कि जो हॉरिजॉन्टल हो रिएक्शन होगी वो बराबर होंगी तो एच इक्वल टू दी विल अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है तो वर्टिकल एक्शन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि बराबर आती हैं तो यहाँ वर्टिकल एक्शन क्या हो जाएंगी वी एक्वल टू वी वी इक्वल टू पी एल वाई टू सिंपल क्योंकि लोड पी एल टोटल होगी पी एल वाई टू ठीक है इसी तरीके से हम एच अगर निकालना चाहें हम जानते हैं कि कोई भी कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर तो हम एच निकालेंगे इन द केस ऑफ मैक्सिमम मींस मैक्सिमम का मतलब है जहाँ सेंट्रल डेप मैक्सिमम हो सेंट्रल डेप मैक्सिमम होगी वहाँ पर मूवमेंट जीरो कर देंगे इस केस में सेंट्रल डेप मैक्सिमम कहाँ पर है सेंटर पॉइंट पर सेंटर पॉइंट ऑफ मूवमेंट को जीरो किया जिससे हमारे पे एच की वैल्यू है पी एल स्क्वायर बाई एट डी हमने बहुत सारा काम कर लिया है मीनस यहाँ तक हमारे जो एनालिसिस का पार्ट होते हैं रिएक्शंस वो निकल आई हैं एच है ए और

माइनस पी इंटू एक्स वाई एक्स बाई टू मोड ने कहा टू जीरो और जीरो करने के बाद हम डी वन के टर्म में डी वन को एक तरफ रखते हैं बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती है और ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी पैराबोलिक इक्वेशन के शेप में तो पैराबोलिक इक्वेशन अगर ये है तो सिंपल सी बात है कि जो शेप है वो पैराबोला होगा तो ये भी प्रूफ हो गया कि पैराबोला हो गया ठीक अब इस केबल में हम मैक्सिम टेंशन की निकाल लेते हैं तो so, अगर H और बी पता है तो मैक्सिमम टेंशन एच सा। अगर हम वी के टर्म में निकालें तो वी टी हो जाएगा एल स्क्वायर होना चाहिए ठीक है एल स्क्वायर बाई स होना चाहिए।, चाहिए और अगर हम वोटर के टर्म में निकालें तो ये हो जाएगा t स्क्ल टू एच अंडर रूट सिक्सटीन डी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस वन ठीक है ये दिस इज द दिन इन टर्म्स ऑफ v और h और हम अगर ये तो निकाल ली हमने अगर हम अगर वर्टिकल अगर हम एंगल निकालने में इंक्लिनेशन की बात करें तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा उस फिगर उस से एच टी टेन ठीटा एस इक्वल टू एच वाई वी और सारे वैल्यू रखेंगे तो टेन ठीटा वेस की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ एल वाई फोर डी यहाँ सिंपल निकाल सकते हैं अब यहाँ से इंक्लिनेशन हम लेंथ और सेंट्रल टाइप के बेसिस पर निकाल सकते हैं हमको एच वाई वी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है इस हमने एनालिसिस कर लिया है सारी चीज़ निकाल ली है मींस हमने एच ए निकाल लिया वी ए निकाल लिया मीन्स एच वी निकाल लिया टी निकाल लिया, लिया, लिया सेब बता दी और मोमेंट वैल्यू जीरो थी ठीक तो निकाल लिए तो उसी तरीके से क्वेश्चन समझते इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर यहाँ पर थर्टी मीटर का स्पान दिया है तीन मीटर का डिप दिया बाकी चीज़ दी हुई है तो वर्टिकल लैक्शन से मिट्टी का हम बराबर होंगी वन फिफ्टी आगी ऐस के फॉर्मूला आके हम यहाँ पर इंटरेक्शन निकाल थ्री सेवेंटी फाइव और वॉट टेंसर निकाल देंगे अन रूट करके तो हमारे पास निकल हुआ ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्ट लेक्चर्स होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें दिस इज़ अ डिफरेंस सो थैंक यू फॉर वॉचिंग